Hey everyone, what's up? Welcome back to my vlog, Pia Lifestyle. So, कैसे हो आप लोग? I hope आप लोग अच्छे होंगे. So, काफ़ी time बाद मैं ये vlogging कर रही हूँ and this is also not a proper vlog because in this video I'm gonna share with you my experience. या एक्सपीरियंस ही कह लो एंड ऑल्सो आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज मेरा पासपोर्ट आ गया है. सो ये जो वीडियो है मैं पासपोर्ट से ही रिलेटेड होगा. आई नो मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ पासपोर्ट बनाने में बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि बहुत इसका प्रोसेस बहुत ज़्यादा हार्ड है. जब तक मेरा नहीं बना था तब तक मुझे बहुत हार्ड लग रहा था. जब भी मेरा पासपोर्ट बन गया तो मुझे लगा कि नहीं ये तो बस यूँ बन गया यार, मुझे पता भी नहीं चला. लाइक 15 to 20 डेज लगता है और पासपोर्ट आपके घर तक आ जाता है. सो इन दिस वीडियो आई एम गोना शेयर विथ यू लाइक इसका पूरा प्रोसेस कि कैसे मैंने अप्लाई करा, कैसे वेरिफिकेशन हुआ, कैसे घर पे मेरा पासपोर्ट आया. सो इस वीडियो में पूरा आप लोग साथ शेयर करूँगी. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो सो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग. सबसे पहला प्रोसेस जो होता है वो होता है आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है. सो या तो आप खुद से अप्लाई कर सकते हो या तो आप कहीं जाकर के अप्लाई लाइक सेवर में जाकर के अप्लाई करवा सकते हो. बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा डाउट था कि पता नहीं होगा नहीं होगा, मैं इसे कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए. बिकॉज मैंने सुना था कि अगर एक भी कुछ अगर लेटर मिस्टेक हो जाता है ना तो वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है. दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि मैं खुद से ना अप्लाई करके मैं साइबर से अप्लाई कराऊंगी. उन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज लिया था बट अच्छे से अप्लाई कर दिया था. वैसे अगर आप खुद से अप्लाई कर रहे हो तो आपको passportindia.gov.in पे आपको जाना है और आपको जो भी प्रोसेस होता है वो आपको फॉर्म फिलअप करना होता है सो उस टाइम आपको जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको 2-3 डॉक्यूमेंट चाहिए होता है. वो होता है 10th का सर्टिफिकेट होता है. मैंने जो दिया था वो मैं अपना बता रही हूँ. मैंने 10th का सर्टिफिकेट दिया था एंड आधार कार्ड दिया था और पैन कार्ड भी मांगा था बट मैंने पैन कार्ड नहीं दिया था बिकॉज पैन कार्ड और आधार कार्ड का जो एड्रेस है मेरा चेंज था. तो दरअसल मुझे थोड़ा सा डर था कि पता नहीं कहीं कुछ दिक्कत ना आ जाए. दरअसल मैंने सिर्फ आधार कार्ड से ही करवाया था. तो मैंने सिर्फ आधार कार्ड दिया था, 10th का सर्टिफिकेट दिया था और जीमेल आईडी दिया था और एक फ़ोन नंबर दिया था और एक अल्टरनेटिव नंबर भी देना होता है और वो ऐसा नंबर देना जो कि ऑन रहे बिकॉज उस पर ना कॉल आता है. सो मैंने अपने भाई का नंबर दिया था तो मेरे भाई के नंबर पे कॉल आया था. तो उन्होंने पूछा था मेरे भाई से कि कौन है, किस लिए अप्लाई करें, तो ये सब पूछा था, मतलब कॉल आया था. सो अगर आप जो भी अल्टरनेटिव नंबर आप दे रहे हो ना तो वो ऐसा नंबर देना जो ऑन हो. एंड यस, उसके बाद ये सब इसके लिए आपको 1500 पे करना होता है. अप्लाई करने के बाद आपको एक अपॉइंटमेंट डेट आता है. वो डेट आपको जो जिस भी डेट में आप सुटेबल हो वो डेट आप सिलेक्ट कर लो. उसके बाद उसी डेट में आपको जाना होता है. सो जब डेट होता है ना तो कुछ देर पहले ही जाया करो बिकॉज लेट हो जाता है ना तो बहुत ज़्यादा प्रोसेस इधर उधर हो जाता है. तो पहले जाना होता है पासपोर्ट ऑफिस. सो ज़्यादा सही होता है जब भी आप अपॉइंटमेंट लेते हो तो उसमें टाइमिंग मेंशन होता है कि किस टाइम में आपको आना होता है. तो अलग अलग सबका टाइमिंग मिलता है. तो मुझे तो आई थिंक 2nd हाफ का टाइमिंग मिला था, 2:30 का मुझे टाइम मिला था. तो मैं वहाँ पे 2 बजे ही पहुँच गई थी. सो हम पहुँच गए हैं पूछते काफ़ी क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इधर आई. मैं कभी इससे पहले मैं बेली रोड आई नहीं थी तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था बट फाइनली हम पहुँच गए. अब हम अंदर जाके बहुत टाइम लग गया यार, कभी इस काउंटर थोड़ा टाइम लगता है. अंदर बहुत भीड़ होती है, पता नहीं हमेशा होता है या फिर आज थी, आई डोंट नो, बट आज तो भीड़ थी. सो फाइनली मेरा काम हो गया है. सही रहेगा कि जो भी आपको टाइम मिलता है ना उससे पहले ही पहुंच जाया करो तो ज़्यादा सही होता है बिकॉज पासपोर्ट ऑफिस में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है एंड वहाँ पे तो और बहुत ज़्यादा इधर उधर ये वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उधर भी प्रोसेस में बहुत ज़्यादा करना होता है. सो मतलब जब भी आपका टाइम होता है ना उस टाइम से पहले पहुंच जाया करो, ज़्यादा सही होता है. मैं पहले पहुंच गई थी तो भी मुझे बहुत टाइम लग गया था. अब मैं आपको बताती हूँ कि जब आप पासपोर्ट ऑफिस जब आप जाओगे ना तो आपको वहाँ पे क्या क्या प्रोसेस होता है. पासपोर्ट ऑफिस जाने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे एप्लीकेशन में मेंशन होता है कि क्या क्या लेकर जाना होता है. लग गई थी आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th का मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट एंड एडमिट कार्ड भी लेकर गई थी. सो ये सब सारे डॉक्यूमेंट्स पहले वो लोग चेक करते हैं, उसके बाद हमारा एक फ़ोटो लेते हैं, उसके बाद हमारा फिंगरप्रिंट लेते हैं और या इतना सारा प्रोसेस करते चेक करते हैं. तो अगर कुछ भी आपका मिस्टेक रहा तो फिर वो दूसरा काउंटर पर भेज देंगे, फिर वहाँ पे चेक किया, फिर अगर वहाँ पे कुछ मिस्टेक है तो फिर वो दूसरा काउंटर भेज देते हैं. तो मेरा बस एक प्रॉब्लम हो रहा था कि मेरा जो एडमिट कार्ड 10th का जो एडमिट कार्ड था ना उसमें मेरा डेट ऑफ बर्थ नहीं था, डेट ऑफ बर्थ उसमें मैंशन नहीं था. तो उन्होंने मुझे दूसरा काउंटर भेज दिया था बट फिर उन लोगों ने पता नहीं बहुत कुछ करा, अच्छे से उन लोगों ने वेरीफाई किया. तो वो वेरीफाई करने में मेरा 3-3.5 घंटा चला गया था.
उसके बाद जाकर के मेरा प्रोसेस हुआ था। तो फिर जब आपको प्रोसेस हो जाएगा पूरा, आपको एक जब आप फॉर्म भरते हो ना, जब आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपको एक पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म भी मिलता है, तो आपको वो भी लेकर के जाना होता है एंड उसका प्रिंट आउट भी लेकर के जाना होता है और इसका ओरिजिनल कॉपी भी लेकर के जाना होता है। तो वो लोग फिर सारा जो भी होता है चेक करते हैं। उसके बाद जब सारा प्रोसेस हो जाता है उसके बाद आपके फ़ोन में एक मैसेज आ जाएगा और आपकी मेल पे भी एक मैसेज आ जाएगा। पासपोर्ट ऑफिस का जो भी प्रोसेस होता है वो अगर एक बार कंप्लीट हो गया, वहाँ पे आपको कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं देना होता है। तो ये सब जब आपका पासपोर्ट ऑफिस का सारा काम जब कंप्लीट हो जाता है, जो भी प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद टाइम आता है पुलिस वेरिफिकेशन का। तो उसके लिए भी दो तीन दिन में मेरे पास कॉल आ गया था। हाँ, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए मेरे पास कॉल आया थाना से कि आपका पासपोर्ट के लिए यहाँ पे आया हुआ है, सो आपको थाना आना है। वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया था आज, तो एक डेढ़ घंटे में बुलाया था। तो आज मैं आई हूँ और उन लोगों ने मेरे से दो डॉक्यूमेंट्स मांगे, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल और एक आधार कार्ड का फ़ोटो कॉपी सर। तो वो मैंने दे दिया है और मेरा काम हो चुका है और अब हम वापस जा रहे हैं। जब मैं वहाँ पे गई तो उन्होंने वहाँ पे वैसे कुछ भी आपको नहीं होता है, वहाँ पे आपको सिग्नेचर करवाते हैं एंड जो भी होता है आपका एड्रेस के बारे में पूछते हैं कि कहाँ है, क्या है और क्यों पासपोर्ट बनवा रही हो, बस ये सब दो तीन क्वेश्चन करते हैं और कुछ भी नहीं। तो ये सब करने के बाद उन्होंने बोला कि ठीक है अब काम हो जाएगा, आप जाओ हो जाएगा। तो फिर मुझे उन लोगों ने ऐसे मुझे बताया नहीं कि मुझे पैसे चाहिए, उन लोगों ने मेरे को इशारा किया कि जो भी कुछ है आप जो फॉर्म था, मैंने बोला कि इसमें आप रख करके मुझे दे दो। मैं समझ गई कि अच्छा उनको पैसे ही चाहिए। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने 500 लिया और मैंने रख दिया। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है। तो फिर मैंने ऐसे पैसा रखा और मैंने उनको दिया और फिर मैं आ गई। उसके बाद फिर ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगा था, 10 days या 15 days में फिर मेरा पासपोर्ट घर पर आ गया था। तो बस यही प्रोसेस होता है। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड कुछ अगर मैं बताना मिस कर दिया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने सारे पॉइंट कवर करा है, बट फिर भी अगर कुछ इस वीडियो में रह गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। सो या दैट्स फॉर टुडे गाइज, आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। इफ़ यू डिड इट देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।